रैंकिंग। अगर हम बात करें ऑर्डर एंड रैंकिंग की, तो कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के? मेन है कि जब हम बात करते हैं कि आपके पास में कुछ पर्टिकुलर पर्सन गिवन है और वो कहते हैं कि हाँ टॉप से उसकी ये पोजीशन है, बॉटम से उसकी ये पोजीशन है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, या फिर लेफ्ट से ये पर्टिकुलर पोजीशन है, राइट से एक पर्टिकुलर पोजीशन गिवन है, तो कहते हैं बताओ अब कितने पर्सन हैं, या फिर अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे मान लो एक लेफ्ट से ए और बी है, ठीक है, और लेफ्ट से किसी पर्टिकुलर पोजीशन में है, वो कहते हैं अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो अभी ए यहाँ पे आ गया, उसकी पोजीशन गिवन है कि हाँ अब उसकी पोजीशन ये हो जाएगी, तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, या फिर दो पर्सन गिवन है इनके बीच में बताओ कितने लोग हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो जो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इनको हम बोलते हैं रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, मीन्स कि पर्टिकुलर पर्सन का रैंक वहां पे आपसे पूछा गया है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर का रैंक आपके पास में गिवन है। एक तो ये हो गया, तो यहाँ पे जैसे हम कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल डाटा इज गिवन, रैंक ऑफ ए पर्सन फ्रॉम राइट और लेफ्ट, लेफ्ट से क्या है राइट से क्या है, सेम वे टॉप और बॉटम में भी गिवन, टोटल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन टू पीपल्स आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन, ये टाइप्स बनती हैं, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन ए रो, ओके। और जो दूसरा आ जाता है ऑर्डरिंग, अब ऑर्डरिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ा होगा, तो उसके अंदर जो अरेंजमेंट वर्ड हो रहा है एक तरह से, ओके, तो जो अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है तो वो ऑर्डरिंग के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। इससे मीन्स वी हैव 4 to 5 पीपल, उनको आपने अरेंज करना है, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट में जरूरी नहीं है कि पीपल ही गिवन हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ चेयर्स हैं उनको आपने अरेंज करना है, ऐसा भी हो सकता है कुछ बुक्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर की उनको आपने अरेंज करना है, ठीक है। या फिर आपने पास में कुछ पर्सन है उनके मार्क्स गिवन है, स्टूडेंट्स मान लीजिए उनके मार्क्स गिवन है, आपको उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं, तो दोनों पे आपने प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है सभी ने मेरे को साथ साथ में रिप्लाई भी करना है, सो दैट कि मुझे पता चले कि कितना समझ आ रहा है। लॉजिकल रीजनिंग बेटा इंटरेस्टिंग है, 15 to 20 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, और मैं कहती हूँ कि सारे के सारे आप कर सकते हैं, मैं नहीं कहती कि हाँ उनमें से मान लो 20 क्वेश्चन आ गए तो 20 में से आप 15 कर पाओगे, नहीं, मैं कहती हूँ कि अगर लॉजिकल रीजनिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो 15 के 15, अगर 15 आते हैं तो 20 है तो 20, मीन्स कि जितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल रहे हैं आप सारे कर सकते हो 100% अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है, ओके। तो अब करें शुरू। अब सबसे पहला है टोटल नंबर ऑफ पीपल हमें फाइंड आउट करना है। जब हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पीपल की, तो वहां पे डिपेंड करता है कि जो पोजीशन गिवन है द पोजीशन ऑफ ए सेम पर्सन इज गिवन। जैसे मान लो मैं कहती हूँ एक ही पोजीशन गिवन है लेफ्ट से भी राइट से भी, या हमारे पास में मल्टीपल नंबर ऑफ पर्सन है, मान लो दो लोग हैं, तो हमें टोटल पर्सन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सिंगल पर्सन से करते हैं। क्या कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमने फाइंड आउट करना है और आपको कुछ डाटा गिवन है। जैसे यहाँ पे है, कहते हैं व्हेन रैंक ऑफ ए पर्सन इज गिवन, मींस ए सिंगल पर्सन इज गिवन फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ ए रो, बोथ साइड्स ऑफ द रो, इन दैट केस इफ वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, कैसे करेंगे, जो रैंक दोनों साइड से गिवन है दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। अब उसके अंदर से आपको 1 माइनस करना है। अब आप कहोगे मैडम 1 माइनस करने की क्या जरूरत है, पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं कह रही हूँ कि हमारे पास में एक पर्सन है, ठीक है, लेट अस से ही इज राम, और वो क्लास के अंदर थर्ड है लेफ्ट से। अब देखो लेफ्ट से क्या है थर्ड, ठीक है। अब यही सेम पर्सन राइट से मान लीजिए फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ है, तो अब बताओ इस रो में कितने लोग हुए। अब यहां पे अगर हम देखें तो राइट से ये क्या है फोर्थ है, ठीक है, लेफ्ट से अगर मैं देखूं तो ये कितना है थर्ड है, तो हमारे माइंड में आएगा कि हाँ जी टोटल 7 लोग होंगे, माइंड में ये आता ना 7 होंगे, बट यहाँ पे देखो 7 तो है नहीं, कितने 1 2 3 4 5 6, देर आर ओनली 6 पर्सन। तो क्या होता है कि ये जो जब हम रैंक की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास में है थर्ड फोर्थ, तो ये सिंपल एक ही पोजीशन को ले रहे हैं ना, लेफ्ट से भी हम उसी पोजीशन को काउंट कर रहे हैं, राइट से भी उसी पोजीशन को काउंट कर रहे हैं, तो उस एक पोजीशन को हम दो बार काउंट कर लेते हैं,
तो इसलिए क्या करेंगे, जब टोटल फाइंड आउट करना है तो उस केस में एक माइनस कर देंगे। तो कैसे करा हमने, 3 + 4 - 1 = 6। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मान लो हमने यहाँ पे भी करना है तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे पोजिशन ऑफ राजू, पोजिशन ऑफ राजू इज 24th फ्रॉम राइट एंड, ठीक है, ही सिटिंग 56th फ्रॉम लेफ्ट एंड। मान लो लेफ्ट से क्या कह रहा है, वो 56th पोजिशन पे है और राइट से वो कौन सी पोजिशन पे, 24th पोजिशन पे। ठीक है, तो कह रहा कि बताओ टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने होंगे रो के अंदर, तो टोटल कितने होंगे, 79। वेरी गुड, कितने होंगे, 56 + 24 - 1, दैट मीन्स 80 - 1। हाँ जी, सभी को क्लियर है, जल्दी से एक बार मुझे रिप्लाई करके बताएंगे, क्लियर है सभी को। ये देखो फिर नेक्स्ट है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, इन ए रो पर्सन पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड इज 27th, लेफ्ट से कितनी पोजीशन है, 27th है, ठीक है, और राइट से कितनी है, 34th, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, बिल्कुल इजी है। हाँ जी, लेफ्ट से ए की पोजीशन क्या है, 27th, राइट से उसकी पोजीशन क्या है, 34, टोटल कितना हो गया आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, यस बिल्कुल करेक्ट है। ये हो गया आपके पास 60 विल बी द करेक्ट। तो कभी भी इस तरह के, अब मान लो कई बार ना इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, एक पर्सन है, ठीक है, ही इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम राइट। अब बताओ क्लास में कितने लोग हैं, तो हमारे माइंड में सीधा सा पता है क्या, 20 क्लिक करते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स ना आते हुए भी रोंग कर देते हैं कि अभी 10 इधर से 10 इधर से, टोटल 20 हो गए, बट ध्यान रखो कितने होंगे, 19। वेरी गुड, कितने हो जाएंगे हमारे पास में, 19, बिकॉज इसको तो हम दो बार काउंट कर रहे हैं, क्लियर।